और आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है ड्राई कफ। तो आज मैं बात करूंगी होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ड्राई कफ। तो ड्राई कफ पे स्पेशली मैं बताऊंगी, जनरली जो कफ होता है ये एक प्रोसेस होती है, रिफ्लेक्स पर एक्शन होता है आपके क्लीन करने के थ्रोट और एयर वे को। तो जब आपके कोई सी इन्फेक्शन हो जाता है किसी जगह पे तो बहुत ज्यादा कफिंग बढ़ जाती है। तो जनरली कफ जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक वेट होता है एक ड्राई होता है। वेट कफ जो होता है जिसमें बलगम निकलता है, प्रोड्यूस होता है बलगम, आपका प्लग्स निकलते हैं जिसको स्पूटम भी बोलते हैं, तो वो अगर बनता है ज्यादा तो उसको वेट बोलते हैं। बट मैं आज बात कर रही हूँ ड्राई कफ की, क्योंकि ड्राई कफ भी ऐसा हो गया है कि लोगों को बहुत ज्यादा आजकल ड्राई कफ से परेशानी होती है, स्पेशली अगर गर्मी में तेज ठंड में बिना बलगम के ड्राई जो होता है जनरली बच्चों में हो जाता है कि ड्राई कफ ज्यादा हो जाता है तो इन्फेक्शंस हो जाते हैं काफी थ्रोट में, तो उसकी वजह से होता है। तो आज मैं बात करूंगी इनके, पहले रीजंस बताऊंगी क्या क्या कारण होते हैं और साथ ही साथ जो है इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगी, स्पेशली 5 टॉप मेडिसिन बताऊंगी आपको ड्राई कफ के लिए। तो सबसे पहले रीजंस बताऊंगी मैं, 7 to 8 रीजंस बताऊंगी आपको कि ड्राई कफ क्यों क्यों होता है। तो सबसे पहले जो आता है फ्लू अगर हो जाता है आपको स्पेशली समर्स में, और कई बार कोल्ड हो जाता है ठंडियों में, तो उसकी वजह से भी ड्राई कफ होता है। देन स्पेशली कई लोगों को 2 to 3 मंथ्स तक क्रॉनिक कंडीशन में चलता है, आपको 2 3 मंथ्स 4 मंथ्स हो जाते हैं कंटिन्यू ड्राई कफ के। तो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों टाइप का होता है, जनरली जो फ्लू वगैरह होता है उसमें एक्यूट कंडीशन होती है और जो लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है उसको अपन क्रॉनिक कंडीशन बोलते हैं। तो आपको मैं कॉजेज बता रही हूँ, तो सबसे पहले फ्लू आया, नेक्स्ट जो होता है वो होता है अस्थमेटिक कफ। अस्थमा में भी कई बार ड्राई कफ होता है, वेट भी मिलता है समटाइम्स बट ड्राई ज्यादा मिलता है, क्योंकि स्पास्मोडिक होता है वो काफी ज्यादा आपका बहुत ज्यादा जो अस्थमा का कफ होता है काफी स्पास्मोडिक होता है, बहुत ज्यादा आपको जिसमें डिस्निया भी हो जाता है, आप सांस लेने में तकलीफ भी हो जाती है आपको, तो स्पास्मोडिक के साथ जो कफ होता है वो अस्थमा में होता है। देन कई बार न्यूमोनिया और अदर कंडीशंस होती है, जैसे स्मोकिंग, अगर आपने स्मोकिंग करते हैं या फिर आपके साथ में कोई ज्यादा स्मोकिंग करता है, आप ज्यादा स्मोक के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो उन लोगों को भी ड्राई कफ देखा गया है, ज्यादा धुएं धूल में ज्यादा डस्ट में रहना, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होना, तो इन लोगों में भी कफ देखा गया है। देन एलर्जीज में होता है, जिन लोगों को एलर्जिक प्रॉब्लम होती है किसी चीज से, पर्टिकुलर एलर्जी होती है, कई बार लोगों को ठंड से गर्मी से एलर्जी होती है, बहुत ज्यादा तेज ठंड हवा में चले जाते हैं, या बच्चे जनरली रात में नहीं उड़ते हैं और हवा लग जाती है डायरेक्ट, तो उसकी वजह से भी उनको ड्राई कफ स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं ड्राई कफ के। तो ड्राई कफ में जनरली मैं होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट बताती हूँ, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है ड्राई कफ के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन होती है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया अगर जिन लोगों को दी जाती है, ब्रायोनिया मेडिसिन जो होती है ड्राइनेस के लिए फेमस होती है, कि ड्राइनेस जिन लोगों को है उसमें ब्रायोनिया मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपका माउथ ड्राई है, आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, आपका थ्रोट ड्राई हो रहा है और खांसी भी बहुत ज्यादा ड्राई है और इतनी तेज खांसी चलती है कि आपको चेस्ट पे होल्ड करना पड़ता है, थोड़ा पेन स्टार्ट हो जाता है खांसते खांसते, देन नेक्स्ट मेडिसिन होती है रूमेक्स। रूमेक्स भी ड्राई कफ के लिए स्पेशली बहुत अच्छी मेडिसिन है। देन क्यूप्रम भी एक मेडिसिन होती है स्पेशली ड्राई कफ के लिए, साथ ही साथ हायोस्काइमस जो मेडिसिन है वो भी ड्राई कफ के लिए स्पेशली बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम मेडिसिन जो स्पेशली जो कफ ड्राई है बट हल्का सा एकदम थ्रेड लाइक आपका बलगम निकलता है, उसमें स्पूटम निकलता है, एकदम थ्रेड की तरह निकलता है थोड़ा सा। और इसके अलावा जो मेडिसिन है एंटीम टार्ट, जो इतना ज्यादा कफिंग होती है जिसमें आपको फील तो होता है कि अंदर बहुत सारा कफ है और जिसको आप निकालने की कोशिश भी खूब करते हैं लेकिन वो निकलता नहीं है, एकदम ड्राई रहता है, तो उसको भी अपन बोलते हैं ड्राई कफ। तो उसमें जो मेडिसिन होती है एंटीम टार्ट, एंटीम टार्ट का स्पेशली जो सिम्टम्स होते हैं वो कि जो लोग बहुत ज्यादा सीलन्स में रहते हैं, बहुत ज्यादा सीलर आपकी वॉल जो है सीलन समझते हैं कि सीलन जो होता है एकदम वेट एरिया रहना, आपकी दीवारें गीली रहना, तो ऐसी जगहों पे जहाँ धूप की रोशनी कम पड़ना बहुत, तो ऐसे जो लोगों के साथ जो कफ की प्रॉब्लम होती है वो उसके लिए मेडिसिन होती है एंटीम टार्ट। तो आज मैंने ये सारी मेडिसिन बताई, और अगर आपको भी कफ की प्रॉब्लम है, आपको जल्दी जल्दी कफ हो जाता है, आपको जल्दी ठीक नहीं होता है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, और साथ ही साथ बेल बटन को भी जरूर दबाइए, बेल बटन दबाने से आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। थैंक यू।